दिस इज निरंजन महावर, फाउंडर ऑफ टैक्सफे ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं कि आप टैक्सफे फ्रेंचाइजी अगर ले रहे हैं तो सफल होंगे कि असफल, सफलता किन कारणों से मिलेगी और असफलता किन कारणों से मिलेगी, आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने फ्रेंचाइजी ले ली है तो ढंग से देखिएगा, और नहीं ली और लेने वाले हैं तो अभी गौर से सुनिएगा। तो चलिए समझते हैं, हम पहले पूरे सेंटेंस को बोलते हैं। सेंटेंस क्या है? टैक्सफे फ्रेंचाइजी बिजनेस। देखिए, कोई भी बिजनेस कब सफल होता है और कब असफल, इसको समझते हैं। सबसे पहले, कोई भी बिजनेस आपका जो आप इंडिया में कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी कर रहे हैं, बिजनेस आपसे चार चीजें मांगता है: आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका पैसा और आपका फोकस। अगर ये चारों चीजें आपने लूज कर दी तो आपका कोई भी बिजनेस, चाहे वो कोई सा भी हो, वो डूबना तय है। अब बात करते हैं हम टैक्सफे फ्रेंचाइजी की। देखिए दोस्तों, जब भी हमारी डील होती है या फ्रेंचाइजी लेते हैं, अब हमारी ड्यूटीज को समझते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होता है उसको समझने से पहले दो चीजें समझते हैं। कोई भी व्यापार को चलाने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: पहला मार्केटिंग, दूसरा उसका ऑपरेशन, डिमांड और सप्लाई। जब ये दोनों चीजें मिलती है तब जाके एक बिजनेस सक्सेसफुल बनता है। जब आप टैक्सी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपकी जो ड्यूटी होती है, आपका जो रोल होता है, आपको क्या करना है, अपने एरिया के अंदर आईटीआर, जीएसटी और टैक्सेशन के प्रोडक्ट की मांग उत्पन्न करनी है, वहां अवेयरनेस को सेट करना है ताकि आप वहां पर आईटीआर जीएसटी का काम बढ़ा सकें। जैसे इस काम को आप बढ़ाते हैं, इस काम को आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे पास भेजते हैं पॉलिशिंग के लिए, उसको फाइनल करने के लिए। ऑपरेशन टीम उसे फाइनल करती है जब जाकर वो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होता है एक कंज्यूमर को, राइट? अब मोस्टली जो गलती होती है वो कहां होती है? आप कितना समय मार्केटिंग में दे रहे हैं, कितना फोकस है आपका मार्केटिंग के अंदर, आपने कितना पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन वाइज या टैक्सफे ग्रुप वाइज आपको मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मीडिया पर काम करने के लिए पूरे की पूरी इमेजेस, वीडियो, ये सब चीजें मिलती है ताकि आप अपने शहर के अंदर व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब से अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है, आप अपना समय कितना दे रहे हैं इन सब कामों में। मार्केटिंग में आप सिर्फ 20% समय तो नहीं दे रहे। अगर आप ये कर रहे हैं गलती, तो आप मान के चलिए कि आपकी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि आपका जितना अवेयरनेस मार्केटिंग इन द टाइम है, उतना ही आपका जो आईटीआर और टैक्सेशन का बिजनेस है वो ग्रो करेगा। अनुमन कोई भी फ्रेंचाइजी गलती क्या करती है, मार्केटिंग के अंदर अपना कम समय, कम फोकस और कम एनर्जी लगाती है, जिसके कारण उसका डूबना तय हो जाता है। अब हम समझते हैं कि टैक्सफे की जो फ्रेंचाइजी है उसको ग्रो कैसे करेंगे। तो आप एक शब्द को समझ चुके हैं, पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसका काम होता है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, उन्हें कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सिस्टम है, उनके बारे में अवेयर करना। दोस्तों, आप अपने जो एरिया है उसके अंदर आईटीआर, जीएसटी, इस चीज की अवेयरनेस को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे जो चलन में जो अभी तरीका है वो अपनाइए डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके लिए कंपनी से इमेजेस लीजिए, वीडियो लीजिए, उनको अपने लोगों तक बताइए, अपने नियर डियर बताइए, अपने सोर्स बताइए, अपने पुराने ग्राहकों को बताइए। आपको कोशिश क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करनी है लोगों को। अगर आप ये कर पाएंगे तो आप सफल वैसे ही हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने एक चीज देखी है कि जो फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं उसकी जो प्रोडक्ट है वो जरूरत वाले नहीं है, वो अनिवार्य प्रोडक्ट है, कंपल्सरी प्रोडक्ट है। आईटीआर और जीएसटी अपने आप में अभी की अनिवार्यता है। अगर अभी भी नहीं बेच पा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो मार्केटिंग में है या फिर कुछ अप्रोच करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसे सही करिए। अगर आप ये कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप टैक्सफे फ्रेंचाइजी के अंदर पूर्णतः सफल हो सकते हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, टीचर समान रूप से सबको पढ़ाता है। जी हाँ, जब पढ़ाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे बच्चे वहां पर मेरिट में आते हैं या फर्स्ट क्लास आते हैं। कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लग रहा है ना कि आप थर्ड आ रहे हैं या फेल आ रहे हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमसे, हमसे समझिए कि आप अपने नए मार्केटिंग प्लान कैसे बनाएंगे, कैसे आप एक अच्छे पीआरओ बनके एक कर सलाहकार के रूप में अपने शहर के अंदर अपनी छवि को अच्छा बना पाएंगे। दोस्तों, लेकिन मैं दावे और वादे के साथ आपसे कह सकता हूं कि आप फेल अगर हो रहे हैं तो कुछ कमी है, लेकिन सिस्टम में कोई कमी नहीं है। हम मिलकर, जी हाँ मिलकर, क्योंकि आप भी अपने शहर के अंदर टैक्सवे का एक रूप है, एक अंश है, और अंश के रूप में मैं खुद चाहूंगा कि आप असफल नहीं हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप असफल हो सकते हैं, आइए मिलिए मुझसे, हम यहाँ बैठ के बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे हम सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।